यूपी के फर्रुखाबाद में जैसा कि चौथे चरण का मतदान पूरा हो गया है और लगातार दिन भर वोटिंग हुई है, इस सब के बारे में जानते हैं। फर्रुखाबाद के जो कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज दिन भर किस तरीके की चुनावी हलचल रही और हवा किस ओर है। हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार है, जानते हैं उन्हीं से आज फर्रुखाबाद की क्या हवा रही है। सर, पूरा क्या नाम है आपका? फर्रुखाबाद जनपद में किस तरीके की हवा रही है? मैं प्रदीप गोस्वामी, लोकसभा 40 लोकसभा फर्रुखाबाद में। आज चुनाव सुबह से बहुत ही शान से चला और बड़ा अच्छा मत प्रतिशत भी रहा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि दोपहर जब सूर्य निकला है उसके बाद से मतदान प्रतिशत में कमी आई है। लेकिन जहाँ तक मतदाताओं की बात है, यहाँ एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि लोगों के मत जो है वो उनकी सीट में नहीं उपलब्ध रहे, जिससे वो उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। लेकिन जो मत प्रतिशत है उससे ये देखने को मिल रहा है कि सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर होने की संभावना दिखाई दे रही है। शहर क्षेत्र में तो जो है वो वैसे भी भाजपा का मत प्रतिशत बताते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट जो है वो पोल प्रतिशत हुआ है गांव और देहात क्षेत्रों में। वहाँ की क्या स्थिति निकलेगी ये तो 4 तारीख को ही पता लगेगी, लेकिन इतना अवश्य कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव भाजपा के लिए सहज नहीं होता प्रतीत हो रहा है। फर्रुखाबाद में कौन से मुद्दे हावी रहे हैं इस पूरे चुनाव में? आज जो जनता जिस तरीके से निकली है, तो क्या महसूस किया, किस तरीके के मुद्दे? देखिए, भाजपा जो है वो 10 साल से यहाँ फर्रुखाबाद में सांसद मुकेश राजपूत रहे हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो उन्होंने यहाँ किसी तरीके का कोई काम, विकास का कोई काम नहीं कराया है, जिससे जनता यहाँ बहुत त्रसित और त्रस्त रही है। केवल मोदी और योगी के नाम पर उनको कितना वोट प्रतिशत मिलता है और कितना वोट प्राप्त करते हैं वो, ये 4 तारीख को भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, वो सामने आएगा। हमारे साथ में और भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जानते हैं उनसे आज फर्रुखाबाद की क्या हालात रहे, किस तरीके की स्थिति रही है फर्रुखाबाद में। सर, पूरा क्या नाम है और क्या फर्रुखाबाद में क्या स्थितियाँ रही हैं? आज जो चुनावी हवा जो थी, चुनावी बयार थी, किस तरफ थी? मेरा नाम फिरोज खान है। आज का चुनाव जो था, 2024 का चुनाव जो है, वो 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग दिखाई दिया। जहाँ 2014 और 19 के चुनाव में एक लहर दिखाई देती थी, चाहे वो राम लहर कह लें आप, या बीजेपी जो धार्मिक मुद्दों को बढ़ा करके उस पर चुनाव लड़ती थी, इस चुनाव में एक विशेष बात ये देखी गई कि किसी तरीके का कोई भी लहर नहीं दिखाई दी। चूँकि पब्लिक, जनता त्रस्त हो चुकी है कहीं ना कहीं बेरोजगारी, शिक्षा और इन सब चीज़ों को लेकर के, तो जो वोट हुए हैं मुद्दों के ऊपर वोट हुए हैं। अब जो राजनीतिक दलों ने समीकरण बैठा ले हैं, वो भी बड़ा अजीब इस बार अलग से बैठा ले हैं। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को टिकट दी। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जो हैं वो शाक्य बरादरी से आते हैं, और शाक्य बरादरी बीजेपी से काफ़ी घुली मिली थी और उनका परंपरागत पार्टी जो थी शाक्य थी। शाक्य समाज का वोट काफ़ी तादाद में फर्रुखाबाद में, तो वो शाक्य समाज कैंडिडेट होने के नाते बीजेपी से कट रहा है वोट, और कट के भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाता नजर आ रहा है। वहीं उनका एक परंपरागत वोट यादव प्लस मुस्लिम, तो ये 3 वोट एक बड़ी तादाद में बनते हैं। जब जनता के बीच में हम लोग पहुँचे, उनसे पूछा कि आपने किन मुद्दों के ऊपर वोट किया है, तो उनके अधिकांश लोगों का ये कहना था कि हम बेरोज़गारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, मुद्दों को लेकर के। हम लोगों ने काफ़ी ये जानने का प्रयास किया कि कहीं कोई लहर दिखाई दी भाजपा के पक्ष में, तो विशेष बात ये रही कि इस चुनाव में भाजपा के पक्ष में कोई भी लहर काम करती नज़र आ रही नहीं आ रही। तो इससे लग रहा है कि ये चुनाव बहुत कड़ी टक्कर के बीच में होगा, भाजपा को बड़ी कड़ी टक्कर मिल रही है चुनाव समाजवादी और पार्टी और बीजेपी के बीच में। अब ये देखना है कि 4 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो बहुत कड़ी टक्कर के बाद आएगा और कोई लंबी जीत हार नहीं होगी, बहुत नॉमिनल जीत हार के चांस। जिस तरीके से 2019 में तकरीबन 1.5 लाख वोटों से फर्रुखाबाद में बीजेपी के कैंडिडेट यहां से विनर हुए थे, तो इस बार की स्थितियां क्या कुछ मुफीद लग रही हैं कि हाँ मार्जिन कम हो जाए लेकिन थोड़ी स्थिति अच्छी हो? देखिए, पिछली बार बीजेपी कैंडिडेट काफ़ी लंबी जीत हासिल करी थी उन्होंने, उसका एक कारण ये था कि 2019 का चुनाव जो हुआ था एक बहुत बड़ी लहर के ऊपर हुआ था, उसमें पुलवामा भी शामिल था, उसमें राम मंदिर भी शामिल था, उसमें लहर भी काम कर रही थी, मोदी लहर भी काम कर रही थी। लेकिन इस बार ना तो पुलवामा है, ना राम मंदिर है, ना मोदी लहर कहीं दिखाई दे रही है,
तो वो मार्जिन काफ़ी कम नज़र आ रहा है। अगर बीजेपी जीतती भी है तो बहुत नॉमिनल मार्जिन से जीतेगी, लेकिन इसके साथ में जो एक उनका परंपरागत वोट बड़ा हिस्सा के वोट कटा है, तो उससे यहाँ पर आकर के काफ़ी दिक्कत का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। ठीक है, और भी हमारे साथ में कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनसे बात करते हैं कि आज के हालात क्या रहे हैं, किस तरीके की कवरेज उन्होंने दिन में की और क्या बयार फरुखाबाद में इस लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने देखी। सर, क्या पूरी स्थिति रही आज पूरे दिन? आज पूरे दिन आपने वोटिंग के दरमियान बहुत सारे विधानसभाओं में आप घूमे, क्या स्थिति लग रही है आपको? मेरा नाम गौरव है। आज अगर दिन भर की बात की जाए तो चूंकि जब भी मतदान होता है तो दो स्टेजेस में होता है, शहरी और ग्रामीण। तो अगर ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी का के पक्ष में काफ़ी हद तक रुझान दिखाई दिया लोगों का, चाहे वो मुस्लिम लोगों का मतदान हो या अन्य बिरादरियों का हो। वहीं शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी मतदान ठीक ठाक हुआ, और शहरी वोटर जो है वो ब्राह्मण, शहर में ब्राह्मण और ठाकुर ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये भारत का परंपरागत वोटर है। तो एक तरीके से शहरी क्षेत्र का जब आकलन करते हैं तो लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में माहौल जा रहा है, और ग्रामीण अंचल को जब देखते हैं तो लगता है कि सपा के पक्ष में माहौल जा रहा है। तो इस बीच से दोनों के बीच काटी टक्कर दिखाई दे रही है। क्या कोई मुद्दे हावी रहे इस पूरे आज जिस तरीके से वोटिंग हो रही थी, तो कोई मुद्दे आपको दिखाई दिए कि हाँ कोई मुद्दे जो वर्तमान सरकार है या वर्तमान एमपी हैं उनके पक्ष में हो या उनके विपक्ष में हो? देखिए, मुद्दे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ही दिखाई दिए थे, जहाँ एक तरफ भाजपा के पास उस समय राम मंदिर, मोदी लहर जैसे बड़ी सारी चीज़ें थी, इस बार वो मुद्दे कहीं दिखाई ना दिए। अच्छा, दूसरा बड़ा कारण एक ये भी है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा एक भी बड़ी रैली फरुखाबाद जनपद में नहीं हुई है, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं जो भाजपा का जो वोटर है उनका मनोबल कुछ धीमा दिखाई दिया है, उनका गिरा हुआ मनोबल दिखाई दिया है। और भी हमारे साथ में जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं क्या हालात थे आज फरुखाबाद में वोटिंग के दरमियान, किस तरीके से यहाँ पर जो है व्यवस्था, जो जिस तरीके से वोटर आज वोट कर रहे हैं, तकरीबन 50-52% के आसपास मतदान हो गया है, जानते हैं क्या हाल, क्या स्थिति रही आज आप पूरे फरुखाबाद जनपद में रहे हैं, क्या चुनाव का माहौल क्या देखते हैं आप? देखिए, आज फरुखाबाद के लगभग हमने करीबन 5 विधानसभाएं जो यहाँ की पड़ती हैं, अलीगंज भी जिसमें आती है, तो ये 5 विधानसभाओं को हमने घूमा है। तो इन 5 विधानसभा क्षेत्र में जब पहुँचे हैं तो फील जो वहाँ की जो पब्लिक है उनका हम लोगों ने रुझान लेना चाहा कि आखिर वो क्या चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं निकल के आया कि यहाँ बेरोजगारी, विकास और स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की जो बातें हैं ये साफ तौर पे निकल के आ रही हैं कि लगभग 10 साल हो गई हैं। मैंने 2014 का चुनाव भी कराया, मैंने 2019 का भी चुनाव कराया, तो दोनों में जो मोदी फैक्टर जो चल रहा था, मोदी फैक्टर से जो लहर आई थी वो लहर दिख रही थी, लेकिन 2024 का जो वोट है इसमें हमें किसी भी तरीके कोई लहर नहीं दिख रही है। उसका कारण यही आ रहा है कि बीजेपी के जो सांसद हैं उन पर लोगों का जो वो लोगों के प्रति खड़े नहीं उतर पाए हैं, इसलिए जो जनता है वो कहीं ना कहीं उन्हें निगलेक्ट टाइप का कर रही है, या फिर वो उनसे ये करिए कि ये हमारे सांसदी के समय में लोगों ने इतना कार्य नहीं कर पाया है। जी, और भी हमारे साथ में जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आज किस तरीके का माहौल रहा है, क्या स्थिति रही है आज फरुखाबाद में? इलेक्शन था, पूरे दिन वोटिंग होती रही है, तकरीबन लास्ट समय चल रहा है, 10-12 घंटे बाद में वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। फरुखाबाद में क्या हालात देखे, किन मुद्दों के लेके आज जनता जो थी उसने वोट किया, आपने क्या अभी तक एनालिसिस कर पाया है? फरुखाबाद की जनता जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से मतदान कर रही है, वोट प्रतिशत जिस हिसाब से हो रहा है बिल्कुल भी, जो व्यक्ति घर से ठान के आया है हमें कहाँ मतदान करना है वो वहीं कर रहा है, जिस हिसाब से देखा जाता है सपा और भाजपा में टक्कर है, और ये हर जगह जितने भी विधानसभा में गए हैं हर विधानसभा में दोनों के बराबर वोट की देखा जा रहा है, और कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि लहर जो होती थी एक देश के प्रधानमंत्री की लहर जो हर चुनाव में देखने को मिलती थी वो फरुखाबाद जनपद में लहर देखने को नहीं मिल रही। किस वजह से, क्या 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 कारण क्या लगता है इसके पीछे? समाजवादी पार्टी ने जो नवल किशोर साक को प्रत्याशी बनाया है पहली बार, तो उनकी एक तो छवि को देखते हुए, दूसरी बात जो वो लोगों की मदद करते हैं, और जिस हिसाब से साक वोट है जिले में जिस हिसाब से साक वोट है उस हिसाब से नवल किशोर साक के साथ मुसलमान यादव और साक तो माना ही जा रहा है, और अन्य बिरादरी भी उनकी इस लहर को देखते हुए उनके साथ दिखाई दे रही हैं। और भी हमारे साथ में जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके का माहौल आज फरुखाबाद में रहा है, हालात क्या रहे हैं, और आज मतदान के बाद में क्या स्थिति उभर कर आई है फरुखाबाद में। सर, आपका पूरा नाम क्या है और क्या स्थिति आपने देखी है फरुखाबाद में आज चुनाव के दरमियान? मेरा नाम जितेंद्र दुबे है। हम आज जो है कि
फर्रुखाबाद की मतलब पांचों विधानसभा अलीगंज, अमृतपुर, कमालगंज, फर्रुखाबाद, कायमगंज सभी विधानसभाओं में घूमे हैं। वहाँ पर जो देखा है कि मतलब जो है कि देखने में ये लगा कि एक लहर तो दिख रही है, लेकिन लहर एक कैसी है, केवल जो है लहर एक इस प्रकार की है कि मतलब लोगों के अंदर बेरोजगारी को लेकर, युवाओं में देखा गया है कि बेरोजगारी को लेकर जो है काफ़ी मतलब जो है कि परेशान है कि इस सरकार ने जितने भी मतलब जो है कि जब भी वैकेंसियां निकाली हैं, फार्म डलवाए हैं, सारी चीज़ें मतलब करने के बावजूद भी यहाँ पेपर लीक हुआ है और इस सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, तो लोगों को ठगा महसूस किया गया है सर। क्या बीएसपी यहाँ फर्रुखाबाद में कोई फैक्टर कर पा रही है? बीएसपी का कैंडिडेट यहाँ पे ब्राह्मण उतार दिया मायावती ने, तो क्या लग रहा है कि बीएसपी कुछ यहाँ पे किस कैंडिडेट को नुकसान कर सकती है? यहाँ पर जो है कि बीएसपी ने एक ब्राह्मण चेहरा उतारा है, युवा है और पूर्व छात्र नेता भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि सबसे बड़ा ये ब्राह्मण नेता होने के नाते जो है कि सबसे बड़ा ब्राह्मण वोट वो जो है कि मतलब जो है बीजेपी का ही नुकसान करेगा। दूसरे जो एससी वोट था जो कुछ समय के लिए अभी बीजेपी में चला गया था, अब वो जो है बीएसपी में चला जाएगा, ये भी जो है भाजपा का नुकसान करेगा। तो सबसे बड़ा ये है कि भाजपा का हर तरीके से नुकसान हो रहा। दूसरे जैसे कि सपा से नवर के जो साक को उतारा है, तो सपा का जितना भी मतलब जो साक वोट था जो सब मतलब जो भाजपा में जा रहा था, वो मतलब जो सपा में कम से कम 60% वोट जो है वो सपा में नवल किशोर साक हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि भाजपा का नुकसान होते दिखाई दे रहा है और उसमें सपा का फायदा दिख रहा है। विकास के मुद्दे जो जिस तरीके से 10 साल से लगातार बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या लग रहा है कि विकास के मुद्दे भी कहीं पर हावी रहे या फर्रुखाबाद में पिछले 10 सालों में क्या विकास की कुछ योजनाएं आप देख पाए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो है कि जो भी अभी मोदी योगी की लहर में राम मंदिर और ये सब चीजों के बीच में जो है जो 10 साल में जो भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है वो इस बार जो फैक्टर बिल्कुल नहीं रहा है। केवल इस बार जो है विकास के मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये सब चीजें मुद्दे हावी रहे हैं, जिसको लेके जनता जो है काफी जो है 10 सालों में परेशान हो चुकी है। जैसे जीएसटी जैसी चीजों को लेके आज एक जो है नॉर्मल व्यक्ति अगर जो है रिक्शे वाला भी अगर चाय पीता है तो उसको एक जीएसटी चुकाना पड़ रहा है। इधर जो खाने पीने की जितनी वस्तुएं थी जो एक आम जनमानस की जो है रोटी में जो अच्छी मतलब मिल जाती थी उसको खाना, लेकिन उसकी भी थाली से वो छिनता चला गया। तो सबसे बड़ा यही मुद्दा बना हुआ है कि उन्होंने मतलब लोगों को राशन तो दे दिया लेकिन गैस सिलेंडर दिया। गैस सिलेंडर जैसे लोग कहते नहीं कि हाथी तो ले लेना बड़ा मतलब आसान होता है, लेकिन उसको खिलाना मुश्किल पड़ता है। सिलेंडर तो दे दिए लेकिन उसके दाम उन्होंने 1100 रुपए कर दिए, तो वो सिलेंडर कहाँ से खरीदे क्योंकि उसकी इतनी इनकम नहीं है। तो सबसे बड़ा यही है कि मतलब यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इन सब चीजें, और यहाँ जो 10 साल सांसद रहे हैं इन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं कराया और इनसे जो है जनता खासी नाराज है और नाराजगी की वजह से इनके चुनाव किन किन पार्टियों के बीच में देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव तो जो है सपा और भाजपा के बीच में चुनाव है और कोई मतलब इसमें फाइट में नहीं है और ज्यादा अंतराल से भी हार जीत होने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि एकदम जो है कांटे की टक्कर हो सकता है। ये जो है कि 20-30 हजार वोटों में ही ये सिमट जाए, जैसे कि पूर्व में पहले सांसद रहे तो इन्होंने मतलब जो है 1.5 लाख 2 लाख अब की वो नारा दे रहे थे कि 4 लाख पार से हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि जनता जो है काफी परेशान हो चुकी है और इनको तीसरी बार यहां से प्रत्याशी बनाए जाने पर जनता के अंदर हताशा ही लगी है। देखिए, हमारे साथ में बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज पूरे जो चुनावी दिन रहा, जिस तरीके से मतदान हुआ है, हालात जो भी हैं, आपने सभी पत्रकारों ने जिस तरीके से बताया कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है और ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो सिर्फ 4 तारीख को ही पता चलेगा। सूर्या बाजपेयी, न्यूज 18, फर्रुखाबाद।